आयताकार, वर्गाकार या वृत्ताकार पार्क, खेत, मैदान या बागीचा देखते हैं जिनमें जिनके बाहर की तरफ या अंदर की तरफ देखिए रास्ते बने होते हैं या अंदर की तरफ भी ऐसे इस तरह से रास्ते बने होते हैं जो टहलने के लिए या बैठने के काम आते हैं। इस वीडियो में हम लोग इन रास्तों का क्षेत्रफल निकालना अलग अलग उदाहरण की सहायता से समझेंगे। आइए हम लोग पहला उदाहरण देखते हैं। वीडियो में रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट ट्रिक दिया गया है, पूरा समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई 70 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर दी गई है। पार्क के अंदर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें और शेष पार्क का भी क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा। रास्ते पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से गिट्टी कुटवाने या उसकी जगह पर घास लगवाने, रोड़ी बिछवाने, दरी बिछवाने, तमाम सब बातें आती हैं का खर्च ज्ञात करें। देखिए ऐसे प्रश्नों को किस तरह से हम लोग हल करते हैं। ए बी सी डी आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई 70 मीटर दी गई है और चौड़ाई जो है वो 40 मीटर दी गई है। आगे कहा जा रहा है कि पार्क के अंदर चारों ओर, ये काला देखिए, ये काला जो इस बना हुआ है ये पार्क है, पार्क की बाउंड्री है, लेकिन अब उसके अंदर ये रास्ता बना हुआ है, ये आप देख रहे होंगे ये लाल कलर से ये रास्ता हो गया। इसी रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। रास्ते की विशेषता ये है कि इसकी चौड़ाई 2.5 मीटर इधर भी है, चारों तरफ 2.5 मीटर, ये पट्टी जो लाल वाली गई है ये 2.5 मीटर की है। तो हम देख रहे हैं कि फिर अंदर एक आयत बन रहा है, बाहर भी आयत है और अंदर भी आयत है। अंदर वाले आयत की लंबाई बाहर वाले की लंबाई से 2.5 मीटर इधर कम होगा, 2.5 मीटर इधर कम होगा, यानी पूरा 5 मीटर कम होगा, ये एस आर। इसी तरह अंदर वाले आयत की चौड़ाई पी एस, बाहर वाले आयत की आयत जो ए डी है इसकी चौड़ाई उससे 2.5 मीटर इधर कम होगा, 2.5 मीटर इधर कम होगा, यानी टोटल 5 मीटर कम होगा। अर्थात इसकी लंबाई हो जाएगी 65 मीटर, 70 में से 5 घटेगा, और इसकी हो जाएगी 40 में से 5 घटेगा तो 35। इस बात को फिर हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। आयत पी क्यू आर एस की लंबाई 70 टोटल है, उसमें से 2 × 2.5 यानी 5 मीटर कम हो जाएगी, यानी उसकी लंबाई होगी 65 मीटर लंबा है। ये देखिए पी क्यू आर एस, आयत पी क्यू आर एस की चौड़ाई जैसा कि अभी हम लोग समझे हैं, बाहर की चौड़ाई है 40 मीटर, उसमें से 5 मीटर घट जाएगा तो आ जाएगा 35 मीटर। तो देखिए प्रश्न ये था कि शेष पार्क का क्षेत्रफल बताइए। तो शेष पार्क का मतलब है, शेष पार्क का मतलब है कि ये जो रास्ता है उसको हटा देना है, यानी पी क्यू आर एस शेष पार्क, यानी आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फार्मूला हम जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, इसकी लंबाई है 65 मीटर और चौड़ाई है 35 मीटर। इसको हम हल करेंगे तो आएगा 2275 मीटर स्क्वायर। रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, ये लाल वाला हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे आसान तरीका है कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो आयत हैं, एक बाहर बाहर काला वाला है, एक अंदर वाला लाल वाला है। बाहर वाले आयत में से अंदर वाला आयत का क्षेत्रफल निकाल दें। जैसे उदाहरण के तौर पे ऐसे समझिए, देखिए ये पूरा पार्क है और ये पार्क के अंदर ये लाल वाला हिस्सा हमारा जो रास्ता कहा जा रहा है वो रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करें,
कि पूरे पार्क के क्षेत्रफल में से ये अंदर वाला जो हिस्सा सफ़ेद वाला है उसका क्षेत्रफल निकाल दें तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए, समझने के लिए हम क्या करते हैं कि ये सफ़ेद वाला पोर्शन हम निकाल दे रहे हैं। देखिए खूब आसानी से समझ में आ जाएगा आपके। ये मैंने काट के बाहर, देखिए यही कट गया गलती से, कोई बात नहीं। ये हिस्सा देखिए, ये सफ़ेद हिस्सा जब बाहर निकल गया तो हमारे जो है केवल रास्ता बच गया है। देख लीजिए, यही विधि हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो क्या किया जाए, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो भाई, अब आयत ए बी सी डी की लंबाई 70 गुणे उसकी चौड़ाई है 40, आयत है तो भाई उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल आ चुका है पहले ही, तो उसको अब अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2200 इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2800 में से घटाएंगे 2275, घटाने पर ये आ जाएगा हमारे पास ये 525 मीटर स्क्वायर, ये रास्ते का क्षेत्रफल आ गया 525 मीटर स्क्वायर। और इस रास्ते पे गिट्टी कुटवाना है जिसका दर दिया गया है कि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 1 मीटर गिट्टी कुटवाने पे 10 रुपये लग रहा है, तो 525 वर्ग मीटर में गिट्टी कुटवाने के लिए कुटवाना है तो उसमें 10 का गुणा कर देंगे और हमारा आ जाएगा खर्च 5250 रुपये। तो इस तरह से जब पार्क के अंदर रास्ता हो तो इस तरह से हम लोग लगाते हैं। यही प्रश्न अब इस तरह से हो जाए कि अंदर की जगह बाहर शब्द इस्तेमाल कर दिया जाए कि अब रास्ता जो है पार्क के बाहर है, तब इन प्रश्नों को किस तरह से हल करेंगे आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल में रास्ता जो था अंदर की तरफ था, इस एग्जाम्पल में रास्ता बाहर की तरफ है। पार्क वही है, लंबाई चौड़ाई पहले वाला ही है, तो रास्ता बाहर की तरफ होगा। तो देखिए, पहले एक चित्र बना लेते हैं। ये बाहर लाल कलर में रास्ता बन गया, इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। हम देख रहे हैं कि फिर पहले की तरह एक आयत बन गया, लेकिन ये नया आयत लाल वाला अब पार्क के बाहर है। यही बस अंतर है। अब बाहर वाला जो पार्क है, बाहर वाला जो आयत है पी क्यू आर एस, उसकी लंबाई ए बी की लंबाई 70 मीटर थी, लेकिन 2.5 मीटर इधर बढ़ेगा और 2.5 मीटर ही दूसरे साइड भी बढ़ेगा, यानी 70 में कुल 2.5 प्लस 2.5 यानी 5 मीटर बढ़ जाएगा, तो 75 मीटर इसकी लंबाई पी क्यू हो जाएगी। इसी तरह चौड़ाई पहले से 40 मीटर यह दी गई है, ए डी की लंबाई 40 मीटर है, 2.5 मीटर इधर बढ़ेगा, 2.5 मीटर इधर बढ़ेगा, तो ये जो लंबाई होगी पी एस चौड़ाई पी एस कितनी हो जाएगी, 40 प्लस 5 यानी 45 मीटर। पहले वाले उदाहरण और इस वाले उदाहरण में यही अंतर है कि देखिए, यहाँ माइनस हम लोगों ने किया था, घटाया था, लेकिन इस बार जोड़ेंगे, यही अंतर है। बाकी प्रोसेस पूरा का पूरा पहले वाले उदाहरण की तरह से ही होगा। आयत पी क्यू आर एस की लंबाई 75 मीटर अभी आया है, आयत पी क्यू आर एस की चौड़ाई 45 मीटर हम देख चुके हैं। अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो प्रोसेस वही करेंगे, बड़े वाले आयत पी क्यू आर एस के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। यहाँ ध्यान देना आवश्यक ये है कि पहले वाले उदाहरण में आयत ए बी सी डी बड़ा था, उसमें से हमने आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल घटाया था, और इसमें उल्टा किया जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। ये पूरा हल करने के बाद उत्तर हमारा आया है 575 मीटर स्क्वायर। प्रश्नों को हल करते समय आप देख रहे होंगे कि ये लंबी विधि है। यदि प्रश्नों को लिखित रूप में और लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न हो तो इस तरह से लगाएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि कम से कम इसमें 3 मिनट का समय लगेगा।
तो पूरा लिखने की बजाय अगर दिमाग में हम बैठाए रहें कि बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा देना है, तो हमें सीधे यहाँ से अगर शुरू करें तो 3 स्टेप में ही आंसर आ जाएगा। इसके अलावा हम अब एक शॉर्टकट मेथड भी लाने की कोशिश करेंगे जिससे सेकेंडों में उत्तर आ जाएगा। चलिए उसको हम लोग सीखते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और ट्रिक लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रिक कहाँ से आता है ये भी जानना ज़रूरी है। इस तरीका जाने रहेंगे तो ट्रिक लंबे समय तक याद रहता है। कोई भी पार्क, खेत या बागीचा इस तरह से कुछ भी दिया रहे, देखिए ये इसकी लंबाई को फिलहाल मान लेते हैं L। 70 और 40 को फिलहाल भूल जाते हैं। इसकी लंबाई है पार्क की L और चौड़ाई है 40, L और B, और रास्ते की जो चौड़ाई है उसे हम D मान लेते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, हम जानते हैं कि बड़े आयत की लंबाई L प्लस 2D होगी, D इधर बढ़ेगा, D इधर बढ़ेगा, चौड़ाई हो जाएगी B प्लस 2D, और उसमें से जो मेन आयत छोटा वाला है अंदर वाला उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। थोड़ा सा हम लोग इसको जल्दी से हल करेंगे। L इंटू बी प्लस 2LD प्लस 2DB प्लस 4D स्क्वायर माइनस LB, ये कट जाएंगे और देखिए कुछ कॉमन आएगा। 2D हर जगह है, यहाँ L बचा, B बचा और 2D बचा। ये फाइनल हमारा शॉर्टकट ट्रिक आ गया एरिया निकालने का। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मेन जो पार्क है उसकी लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी और फिर उसमें प्लस करना है रास्ते की चौड़ाई का दोगुना जोड़ देना है, और रास्ते की चौड़ाई के दोगुने से फिर सब में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखते हैं कितना आंसर आता है इस शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से। 2D जो है 2.5 है, 2.5, L 70, चौड़ाई 40 प्लस फिर ये 5 है, ये 5 गुणे 140, 145, 145 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 20, 2 × 22 और 725 मीटर स्क्वायर। और अभी हम लॉन्ग मेथड से भी देखे थे कि 725 मीटर स्क्वायर आया हुआ था, तो ये शॉर्ट ट्रिक हम याद रख सकते हैं। देखा कि आयताकार पार्क हो, बागीचा हो, तो जब रास्ता बाहर होता है तो रास्ते का क्षेत्रफल के लिए ये ट्रिक है, और यही रास्ता जब अंदर की तरफ हो तो केवल यहाँ माइनस हो जाएगा, या इस वाले प्लस की जगह माइनस कर देंगे और हमारा आंसर सेकेंडों में आ जाएगा। आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी हल किया गया है उसको करके देख सकते हैं। उसमें उस वाले क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ 5 होगा, 70 प्लस 40 और माइनस 5, 2D 5 था, तो 70 और 40 110, 5 × 105 बराबर 5 × 5 = 25। देखिए सेकेंडों में आंसर आ गया ट्रिक के माध्यम। वही बाग या पार्क वर्गाकार हो जाए तब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। एक वर्गाकार बाग है जिसकी भुजा 70 मीटर है और चारों तरफ बाहर की ओर सड़क जो है 2.5 मीटर चौड़ी है। फिर जैसा कि आयताकार वाले बाग में किया गया था प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 में, उसकी सहायता से हम देख रहे हैं कि बाहर जो वर्ग बनेगा वो 75 मीटर का होगा और अंदर जो ओरिजिनल बाग है वो 70 मीटर का है। जाहिर है रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देना है, यानी एरिया बराबर 75 − 70 का स्क्वायर। इसे हम 75 का वर्ग और 70 का वर्ग न करके क्या करें कि एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ दें और एक ब्रैकेट में दोनों को घटा दें। यहाँ पर इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जा रहा है, a² - b² = a + b,
और ए माइनस बी, ये आसान तरीका है। इसको जोड़ लेंगे तो ये 145 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो ये पाँच जो चौड़ाई का, ये जो चौड़ाई है उसका दो गुना है। 145 और पाँच का हम आपस में गुणा आसानी से कर सकते हैं, पाँच पच्चीस पच्चीस, पाँचों को बीस दो बाईस, 725 मीटर स्क्वायर, ये आसानी से आ गया सेकेंडों में। और उस यहाँ पे उस ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो अभी हम लोग पढ़े हैं, कि किसी आयत के बाहर की ओर यदि रास्ता हो तो उसका क्षेत्रफल होता है a इंटू टू डी एल प्लस बी प्लस टू डी। यहाँ पे वर्ग के केस में l और b दोनों बराबर होते हैं, तो ये फार्मूला रूप ले लेगा इस तरह से, टू डी इंटू टू एल प्लस टू डी, एल और बी दोनों बराबर हो जाते हैं, तो चाहे तो यहाँ से दो कामा ले सकते हैं, तो फोर इंटू डी एल प्लस डी, ये शॉर्टकट है। यहाँ अगर वैल्यू रखें तो चार गुणे 2.5 एल, एल की जगह पे 70 है, और ये 2.5, इसको हल कर लेंगे तो ये आप ये 10 है और गुणे 72.5 बराबर देखिए 725 मीटर स्क्वायर। वृत्ताकार पार्क के छत के चारों ओर रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। 56 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पार्क के बाहर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई बराबर 22/7 रखने को बोला गया है। तो ये अंदर जो है वो काला वाला ये मेन पार्क है, और इसके बाहर चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा एक सड़क है, वो भी जाहिर है वृत्ताकार होगा। यहाँ पार्क की जगह पे कुआं भी हो सकता है, और कुएं के चारों तरफ बाहर की ओर जगत का क्षेत्रफल, ये जगत जहाँ ये सीमेंटेड जो है बना दिया जाता था, जिस पर लोग कुएं के चारों तरफ बैठते थे, उसको जगत बोला जाता था। तो देखिए फिर वही कॉन्सेप्ट करना है कि बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम घटा दें, जैसे देखिए ये बीच में पार्क है और इसके चारों तरफ ये लाल वाला रास्ता है, तो अगर रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो ये सफ़ेद वाले पार्क का क्षेत्र, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसमें से हटा देंगे, यही काम करना है। तो देखिए एरिया कैसे निकलेगा, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर, ये बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, उसमें से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है 56, और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 56 + 7 = 63। यहाँ पाई कामा ले सकते हैं, पाई की जगह पे 22/7, आर स्क्वायर माने 63 का स्क्वायर, छोटा आर का मतलब 56 का स्क्वायर। यहाँ अलग अलग स्क्वायर नहीं निकालेंगे बल्कि वही फार्मूले का प्रयोग करेंगे कि एक कोष्टक में जोड़ेंगे और एक कोष्टक में घटाएंगे, जैसा कि अभी किया गया है वर्ग वाले वर्गाकार आयत के क्षेत्रफल के सवाल में हम लोगों ने इस सूत्र का प्रयोग किया है। देखिए इसको घटाएंगे तो ये 7 आएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, और 22 गुणे 6 3 9 और 6 5 11, इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो आएगा 2618 मीटर स्क्वायर, इस तरह से निकालते हैं। तो इन तमाम प्रश्नों को देखने से ऐसा लग रहा है कि सब में कॉन्सेप्ट एक ही है कि बड़े क्षेत्रफल में से छोटा क्षेत्रफल घटा लेना है। अब हम लोग देखेंगे कि पार्क या बगीचे या मैदान या खेत के बीचों बीच से कोई रास्ता गया है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। हम इसको सवाल को पढ़ेंगे कि एक आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई 55 मीटर और चौड़ाई 35 मीटर है, और इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल निकाल देना। बहुत ही आसान है, इसमें किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। हम देख रहे हैं कि जो रास्ता है ये खुद आयताकार है, एक आयत बन रहा है जो लाल वाला हिस्सा घेरा गया है। इसकी चौड़ाई, इस आयत की चौड़ाई 5 मीटर है और लंबाई 55 मीटर है, तो रास्ते का क्षेत्रफल खूब आराम से निकाल देंगे। लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 55 × 5 = 200 मीटर
स्क्वायर, इसमें बहुत कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। यही सवाल यदि पूछा जाए कि ये जो रास्ता है ये लंबाई के समांतर न होके चौड़ाई के समांतर हो जाए, चौड़ाई के समांतर यदि होता बीचों बीच तो ये ऐसे हो जाता। और इस अवस्था में फिर हम देख रहे हैं कि एक आयत बनेगा जिसकी लंबाई अब होगी 35 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर, और तब इस रास्ते का क्षेत्रफल होगा हमारा, हम से निकाल सकते हैं यहाँ पर बस 35 कर देना है और गुणा कर देंगे 5 × 5 = 25, 5 × 15 = 17, 175 मीटर स्क्वायर। अब अभी अभी हमने जो प्रश्न पढ़े हैं उनका सम्मिलित रूप मिला के एक प्रश्न बनाया गया है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई 55 मीटर चौड़ाई 35 मीटर है, बगीचे के मध्य परस्पर समकोण पर काटते हुए 5 मीटर चौड़ी दो रास्ते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी बगीचा है, लंबाई के समांतर बीचों बीच ये लाल वाला रास्ता है जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है, और इसी तरह चौड़ाई के अनुदिश भी, चौड़ाई के समांतर भी एक रास्ता ये वाला है, दोनों का नाम दे दिया गया है ई एफ जी एच, और इस रास्ते के ये काले वाला जो रास्ता हमने बनाया है इसका नाम है आई जे के एल। रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है यानी लाल वाली पट्टी और काली वाली पट्टी का क्षेत्रफल निकालकर हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकाल पता करना होगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल होगा, देखिए करना यह होगा कि लाल वाली पट्टी का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें काली वाली पट्टी का क्षेत्रफल निकाल लें जैसा कि अभी हम लोगों ने किया है, लेकिन इसमें लफड़ा ये फंसेगा कि ये जो वर्ग बन रहा है बीच में एम एन ओ पी, ये जो है लाल वाले हिस्से में भी शामिल है और काले वाले हिस्से में भी शामिल है, यानी एम एन ओ पी इस वर्ग का क्षेत्रफल दो बार शामिल हो जा रहा है, तो एक बार का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा यानी घटाना होगा। देख लीजिए यहाँ भी आप देख सकते हैं इस चित्र में भी ये लाल है ये हरा वाला है, लेकिन बीच में जो सर्किल बना हुआ है वो स्क्वायर बना हुआ है वो लाल वाले में भी शामिल है हरे वाले में भी शामिल है, इसलिए एक बार इसको निकालना होगा। तो देखिए हमने फार्मूला लिखा है कि रास्ता ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, उसमें जोड़ेंगे रास्ता आई जे के एल, आई जे के एल का क्षेत्रफल, और एक बार वर्ग का क्षेत्रफल एम एन ओ पी, एम एन ओ पी का क्षेत्रफल घटाना होगा। रास्ता ई एफ जी एच का क्षेत्रफल अभी हम लोगों ने निकाला है, इसकी लंबाई ये आयत बन रहा है लंबाई और उसकी चौड़ाई है 5, तो 55 × 5 + 35 × 5 ये अभी पहले के प्रश्न में हम लोगों ने हल किया है, और वर्ग एम एन ओ पी ये जो बीच में बनेगा ये वर्ग इसकी भुजा है, इधर से भी 5 है इधर से भी 5 है, तो इसका क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर यानी 5 × 5, 5 तीनों जगह है, कामन ले लेंगे अंदर बच जाएगा 55 + 35 - 5, इसको हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 425 मीटर स्क्वायर। ये तो लॉन्ग मेथड है, थोड़ा हम शॉर्टकट ट्रिक लाने की कोशिश करते हैं। किया क्या गया है, क्षेत्रफल निकाला गया है, तो पहले वाला जो रास्ता है ये लंबा वाला, ये क्षेत्रफल है इसका लंबाई और गुणे, ये लंबाई पूरी की पूरी जितना कि बगीचे का लंबाई है, और रास्ते की चौड़ाई, बगीचे की लंबाई L, रास्ते की चौड़ाई D। इसी तरह अगला ये वाला जो काला वाला है, काली पट्टी है काला रास्ता है, इसका क्षेत्रफल है बगीचे की चौड़ाई गुणे रास्ते की चौड़ाई माइनस रास्ते की चौड़ाई का स्क्वायर, D कामन ले लिया गया है, L प्लस बी प्लस डी, और देखिए ये स्थिति यहाँ पे आई हुई है, डी की जगह पे 5 है, लंबाई की जगह पे 55 है, चौड़ाई की जगह पे 35 है, और फिर डी की जगह पे 5 है, यानी शॉर्टकट में लगाने के लिए तुरंत आंसर लाने के लिए हमें ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी कि जब भी इस तरह का सवाल आवे तो रास्ते का क्षेत्रफल होगा रास्ते की चौड़ाई गुणे ब्रैकेट में पार्क की या बगीचे की लंबाई प्लस चौड़ाई और माइनस रास्ते की चौड़ाई।
इस तरह से आसानी से हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि पूरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो ट्रिक्स भी याद हो जाएंगे और लॉन्ग मेथड भी आसानी से याद हो जाएगा।